हाउ टू रजिस्टर ADCB नेट बैंकिंग ऑनलाइन। दोस्तों आज के इस वीडियो में बताऊंगा, जो थंबनेल में पढ़ा आप लोग ने, आज के इस वीडियो में बताऊंगा ADCB यूज़र आईडी पासवर्ड आप लोग ने बनाया या नहीं नेट बैंकिंग, तो आप लोग ज़रूर बना लीजिए। तो सबसे पहले क्या करना है, गूगल क्रोम ब्राउज़र में जाने का, चाहे तो आप मोबाइल में जाके भी गूगल ऑन करके डेस्कटॉप मोड ऑन करके कर सकते हैं। तो ADCB लॉगिन यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करूँगा, ADCB नेट बैंकिंग भी क्लिक कर सकते हैं, तो सामने दोनों साइट दिखाई देते हैं, ADCB इंटरनेट बैंकिंग, ADCB लॉगिन, दोनों लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि मैं ADCB इंटरनेट बैंकिंग पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर खुल जाता है, थोड़ा सा ब्राउजिंग होने लगता है और नेट भी फास्ट होना चाहिए। देखिए ADCB यूज़र आईडी पासवर्ड बनाने के बाद आप लोगों को बहुत सारा फ़ायदा मिल जाता है, क्योंकि ADCB जो मोबाइल बैंकिंग ऐप है यहाँ पर सारा ऑप्शन नहीं रहता है, और ADCB यूज़र आईडी और पासवर्ड ने इंटरनेट बैंकिंग का आप लोगों ने बना लिया, इसके बाद बहुत सारा फ़ायदा मिलता है, जैसे कि डेबिट कार्ड अप्लाई, क्रेडिट कार्ड अप्लाई, एवरीथिंग आपको सारा प्रोसेस मैं बताऊंगा इसके अंदर, यूज़र आईडी पासवर्ड बनाने के बाद। इसके बाद ऐसा पेज खुल जाता है, खुलने के बाद यूज़र आईडी डालने के लिए बोल रहा है और पासवर्ड डालने के लिए बोल रहा है। हम लोग तो अभी तक बनाया नहीं, लेकिन सबसे पहले आपको न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। क्लिक हियर, हम लोग ने फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर रहा हूँ ADCB इंटरनेट बैंकिंग यूज़र आईडी पासवर्ड बनाने के लिए। तो यहाँ पर कार्ड नंबर, पिन कोड, इंटर पासवर्ड, री इंटर पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड आपके साइट पर आ रहा है, आप लोग देख लीजिए पासवर्ड कैसा सेम सेम दोनों में फिल करना है, नीचे री इंटर पासवर्ड, इंटर पासवर्ड में, ठीक है। और कार्ड का जो 16 डिजिट कोड, जो पिन, सॉरी, कार्ड का 16 डिजिट नंबर यहाँ पर डालना है, और आपको ATM पिन, जो आपने डेबिट कार्ड एक्टिवेट किया ATM पिन, जो पैसा निकालता है ATM से, वही पिन यहाँ पर डालना है। सब मैं जल्दी जल्दी भर देता हूँ, भरने के बाद आप लोगों को बात करता हूँ। तो यहाँ पर साइड में देखिए दो फ्रेंड, और एक जो कीबोर्ड आ रहा है यहाँ पर साइड में, यहाँ पर स्क्रीन में दिखाई दे रहा है आप लोगों को, यहाँ से आपको पिन कोड डालना है और यूज़र आईडी पासवर्ड बनाना पड़ेगा, ठीक है। मोबाइल पे भी ऐसा आ सकते हैं कि मोबाइल के जो कीबोर्ड है काम नहीं करेगा, और लैपटॉप से कंप्यूटर से कर रहा था आपको काम नहीं करेगा, यहाँ से आपको यूज़र आईडी पासवर्ड बनाना है और पासवर्ड पिन कोड पासवर्ड यहाँ से डालना है, ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी डाल देता हूँ। इसके बाद फ्रेंड यहाँ पर बॉक्स पर टिक करता हूँ और रजिस्टर पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्या बार है, सिलेक्ट ADCB क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड, सॉरी यार यहाँ पर आप, मैंने डेबिट कार्ड सिलेक्ट नहीं किया था, ऊपर जो ऑप्शन आ रहा है तो मैं आपको ट्रिक दिख रहा है, यहाँ पर डेबिट कार्ड मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक वन टाइम पासवर्ड आएगा, जो बैंक में आप लोग ने दिया है ADCB अकाउंट खोलने के टाइम, और यहाँ पर वन टाइम पासवर्ड जो नंबर है यहाँ पर डालना है, और यहाँ पर कैंसिल क्लियर कर सकते हैं, और सबमिट पर क्लिक करना है। सबसे पहले सबमिट पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ और ये रजिस्टर हो जाएगा, अगर आप लोग ने सही से भरा तो मेरा कंप्लीट सक्सेसफुल हो चुका है। और ये जो स्क्रीन आ रहा है यहाँ पर, एक स्क्रीन शॉट लेके आप लोग रख लेने का है, क्योंकि यहाँ पर यूज़र आईडी लिखा रहता है, ऊपर लिखा रहता है, और आप लोग शायद कभी भूल सकते, और पेन और कॉपी लेके आप लोग लिख लीजिए, और शायद आप लोग भूल जाएगा, ठीक है। यूज़र आईडी अभी जो यहाँ पर है, यूज़र आईडी वही डालना होगा, और पासवर्ड जो हमने अभी बनाया है आप लोगों को दिखाया, पासवर्ड वही डालना है, और यूज़र आईडी यहाँ से लिख के ले लेने का, यूज़र आईडी डालने का और पासवर्ड डाल के मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा, जो मैंने अभी यूज़र आईडी पासवर्ड बनाया है इंटरनेट बैंकिंग, कैसा अभी साइन इन होगा और लॉग इन होकर आप लोगों को पूरा बताऊँगा। जैसे फिर यहाँ पर लॉग इन पर जैसे क्लिक करूँगा मैं, थोड़ा सा टाइम लेता है, क्योंकि जैसे कि लॉग इन पर क्लिक करता हूँ, और नेट भी पूरा फास्ट होना चाहिए, घूमता रहता है। इसके बाद फ्रेंड ऐसा खुल जाता है, तो हमने जो अभी आप लोगों को बताया, यहाँ पर यूज़र आईडी डालना है, यहाँ पर जो भी आप लोगों को शो होगा 1 2 3 5 6 7 8 जो भी यूज़र आईडी है यहाँ पर डालना है, और पासवर्ड नीचे डालना है, डालने के बाद साइन इन लॉग इन पर क्लिक करना है, और पासवर्ड जो साइड में कीबोर्ड आ रहा है वहाँ से आपको डालना है, ठीक है, यहाँ से डालना है। तो पासवर्ड डालने के बाद लॉग इन पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद और कुछ ही देर में अभी खुल जाएगा ये यूज़र आईडी और पासवर्ड डालने के बाद, ये देखिए पूरा खुल गया, जो आप लोगों के सामने ये जो मैंने यूज़र आईडी पासवर्ड बनाया इंटरनेट बैंकिंग ADCB अकाउंट का, तो आप लोगों के सामने शो हो रहा है। तो देख रहे हैं ऐसे आप लोग बना सकते हैं, खोल सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी ऑप्शन आया, देखिए मोबाइल बैंकिंग में हर एक ऑप्शन नहीं आता है, और यूज़र आईडी पासवर्ड जैसे कि आप ADCB अकाउंट को बनाने के बाद आप लोग काफ़ी सारा चीज़ यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन घर घर बैठे बैठे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा सिस्टम दिया हुआ है, लोन,
क्रेडिट कार्ड, फिक्स्ड डिपॉजिट, हर एक चीज़ यहाँ से, इंश्योरेंस, अदर सर्विस में जाके भी आप लोग डेबिट कार्ड को ब्लॉक कर सकते, क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते, चेकबुक अप्लाई कर सकते, हर एक सिस्टम यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से हर एक सिस्टम आप लोग कर सकते, यहाँ से अप्लाई कर सकते, ठीक है। इसलिए यूज़र आईडी पासवर्ड बनाने के बाद काफ़ी सारा फ़ायदा मिल जाता है, घर बैठे बैठे आप लोग कर सकते हैं। मोबाइल बैंकिंग में काफ़ी सारा चीज़ नहीं होता है, अगर आप लोगों का डेबिट कार्ड गुम हो जाता है तो तुरंत ही आप लोग यहाँ से जाके भी डेबिट कार्ड में, इसके विषय में अभी काफ़ी सारा वीडियो लेके आते रहूँगा आप लोगों के लिए, कैसा क्या है, हर एक चीज़ों के बारे में आप लोगों को जानकारी दूंगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। इससे ज़्यादा जानकारी चाहिए मेरे इंस्टाग्राम में आइए, फॉलो करिए, बात करिए, ठीक है। अगर चैनल पर नया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन का बेल भी ऑल ऑन करके रखे, आगे इसी तरह के हेल्पफुल में वीडियो लेके आते रहेंगे, ठीक है। आप लोग जो भी रिप्लाई करेंगे उसका विषय में मैं वीडियो बनाऊँगा।